नमस्कार, ऐसे में आपका स्वागत है। आज हम लोग हैं गढ़वाल भवन पे और हमारे साथ हैं अशोक अज्ञानी जी। अशोक अज्ञानी जी, पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। अशोक जी, एक बात बताइए, अभी भीमा कोरे गांव के ऊपर पूरा छावनी बना दिया गया है, तो क्या कारण था कि उसको भीमा कोरे गाँव को पूरा छावनी में तब्दील कर दिया गया था और क्या विशेष कारण था? देखिए, जो कुम्हार रेजिमेंट जो अंग्रेजी शासन की थी और उन्होंने 500 सैनिकों ने करीब 25 से 30 हज़ार पेशवाई सैनिकों को उन्होंने धाराशाही किया, हराया। तो वो चीज जो है इतने वर्षों से 300 वर्षों से जो अभी उनके मन में चली आ रही है, सामंती लोग जो है मनुवादी, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि जिन लोगों को सदियों से हमने गुलाम बनाया और अंग्रेज़ों ने उनको थोड़ी मदद की, उनको रेजिमेंट बनाई, उनकी सेना बनाई, उनको ट्रेनिंग दी और उन्होंने 25 से 30 हज़ार सैनिकों को पेशवाइयों को हरा दिया 500 लोगों ने। वो तकलीफ उनके मन में थी, तो अभी आज तक तो कुछ कर नहीं पाए, लेकिन अभी जो ये मौजूदा सरकार है जो मनुवाद के एजेंडे पे काम कर रही है और जो भेदभाव और सबसे ज़्यादा दलितों के खिलाफ जो भी यहाँ साजिशें हुई हैं उनके विरुद्ध जो साजिश लगातार करते आ रहे हैं, और अंग्रेज़ों ने उस वक्त एक विजय चिन्ह बनाया था, जो पिल्लर बनाया था, तो बाबा साहब ने उसका एक कोशिश की थी, अपने शुरुआत की थी कि भाई हर वर्ष यहाँ पर विजय अपना जश्न मनाया जाए, कि उससे एक मोटिवेशन हो जो दलित समाज सदियों से उन्होंने दबाया, तकलीफ दी है, अपमान किया है इन मनुवादियों ने, सामंतवादी शक्तियों ने, तो उनके प्रति दलितों में एक शक्ति आई कि भाई हमारे पूर्वजों ने इस तरह से कारनामे किए, तो हम भी ताकत के साथ खड़े होकर हम अपने अधिकार ले सकते हैं, लड़ सकते हैं। तो एक मोटिवेशन के लिए बाबा साहब ने शुरू किया था और लास्ट ईयर इन्होंने उसके ऊपर जानबूझ करके उन्होंने आक्रमण किया। उस जो वहाँ पर पीसफुल हर साल जश्न मनाने जाते हैं, उस विजय प्रतीक को, स्मृति चिन्ह को वहाँ पर सल्यूट करते हैं अपने उन 500 नौजवानों की, और एक मोटिवेशन होता है कि तमाम दलित नौजवान परिवार वहाँ पे आते हैं, तो उनको उनके ऊपर इन्होंने अचानक हमला किया और उस हमले के बाद जो दोषी लोग थे उनको तो पकड़ा नहीं, जो दूसरे लोग थे उनके जो वहीं पर इनोसेंट लोग थे उनके केस बनाए, और प्लस ये इस बार इनका पूरा वो था कि उस डर से कि इन्होंने छावनी बना दिया कि लोग आए नहीं, पुलिस का डर दिखाया, जैसे रावण जी भी गए वहाँ पे अपने वो जो अपने भीम सेना के चीफ बीमार के चीफ वहाँ पर गए तो उनको नज़रबंद कर दिया, उनका इंटरनेट बंद कर दिया वहाँ पर कि वो किससे लाइव बात ना कर पाए, और नेटवर्क ख़त्म कर दिए फ़ोन के, उनको वहाँ पर गेस्ट हाउस में नज़रबंद कर दिया। तो ये एक बड़ी अजीब बात है, तो एक तरह का एक अघोषित आपातकाल लग गया है, खासतौर पर दलितों के विरुद्ध। वो जो मेहनत करने वाला समाज है, जो सदियों से यहाँ मेहनत करता आ रहा है और उन्होंने उनकी मेहनत को लूटा है, उस पर अय्याशी करते आए ये मनुवादी सामंतवादी शक्तियाँ, तो आज ये फिर दोबारा से उसी एजेंडे पे आ गए और इनको लग रहा है कि भाई अभी इनको किसी तरह रोकना चाहिए, क्योंकि पढ़ लिख करके पिछले 20-25 वर्षों में खासतौर पर बाबा साहब ने जो अधिकार दिए थे, पॉलिटिकल अधिकार दिए थे, एजुकेशन का अधिकार दिया और जो सर्विस में नौकरियों में जो रिजर्वेशन दी, उससे आगे बढ़े बहुत तेज़ी से बढ़े, तो इनको ये तकलीफ हो रही है। आज मीडिया हमारा है, आज सरकारों में भी दखल हमारा है, आज एडमिनिस्ट्रेशन में भी हमारे लोग बैठे हैं, आज पूरे तमाम इंडस्ट्रीज भी हमारे लोग हैं, तो इनको ये तकलीफ हो रही है कि भाई हमारे बराबर कैसे बैठ, हमसे बराबर छोड़ो, हमसे आगे कैसे जा रहे। तो ये सदियों से रहा है कि ये छल बल कपट से और पीछे से हमला करके, हरा करके, हमारे लोगों को पराजित करके उन्होंने शासन किया, लेकिन अब तो हमारा समाज देश दुनिया में बैठा है, आज हमें डरने की जरूरत नहीं है। और इस बार जो अभी 1 तारीख को हमारे दलित नौजवानों ने, तमाम लोगों ने वहाँ पर छावनी बनाने के बावजूद भी वहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, और रात को 12 बजे तक, वो मैं देख रहा था, मुझे जाने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन सारी रात बैठे और उस पिल्लर पे जो विजय प्रतीक था इतना खूबसूरत, उस पर वो उन्होंने उसमें वो की रंगोली और उसमें खूबसूरत लाइटिंग इतना खूबसूरत रहा। तो ये जितना दमन करने की कोशिश करेंगे, हमारे जो लोग हैं, जो दलित समाज है, वो और शक्ति के साथ आगे बढ़ेगा। अब इसको हमें थोड़ी ताकत करनी है कि हमें अनुसूचित जनजातियों को भी साथ लेना है और हमें अल्पसंख्यक समाज को भी साथ लेना है और जो वर्किंग क्लास में जो कमज़ोर पक्ष हैं उनको भी साथ लेना है और महिलाओं को भी हमें साथ लेना है, और 90% जो वर्किंग क्लास है उसको इकट्ठा करके, ये जो 10% सामंती मनुवादी हैं इनको इस देश से खदेड़ना है, तो तभी जा करके इस देश में शांति होगी और एक अखंड भारत और एक समृद्ध भारत बनकर के सामने।